हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गेमर जीनी। आई होप आप सभी को पता होगा कि कल गेम में सर्वर मेंटेनेंस चल रहा था, जिसकी वजह से सुबह 9 से 5 बजे तक गेम नहीं खुल रहा था, शाम के 5 बजे तक। तो उसके बाद गेम खुला था, लेकिन मेरा नेट अच्छे से नहीं चल रहा था और बहुत हाइपिंग था। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक बार क्लेम दबाया था, लेकिन फिर भी बैच क्लेम नहीं हो रहा था। और साथ ही 5 बजे के बाद मेरा गेम नहीं खुल रहा था, रात के 10:30 बजे गेम खुला। तो इसलिए बहुत मुश्किल से एक वीडियो बना है। मैंने खेला था क्लैश क्वेड कालाहारी में। आप लोग देख सकते हैं कि मेन्यू में अभी भी क्लैश क्वेड बरमूडा है, तो हम लोग दोनों जगह में ही क्लैश क्वेड अभी भी खेल सकते हैं। और रैंक में तो सिर्फ बरमूडा ही आता है। तो जब तक गेम प्ले शुरू होता है, उससे पहले आप लोग जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो आई होप कि आप सभी लोगों ने ये मोड ट्राई ज़रूर किया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये मोड कैसा लगा है, क्या ये बरमूडा से ज़्यादा बेहतर है या नहीं। और मेंटेनेंस सर्वर के बाद गेम में भी कुछ चेंजेस की गई है क्लैश क्वेड में ही, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और एक इवेंट चल रहा है गेम में, तो वहाँ पर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि नया मोड गन किंग आने वाला है। तो आई होप ये मोड बहुत ही मज़ेदार होगा दूसरे मोड्स की तरह। तो अभी देखते हैं कब आएगा ये मोड। तो जैसे कि अभी गेम शुरू हो चुका है, तो ये नॉर्मल क्लैश क्वेड की तरह है जो बरमूडा में होता है। लेकिन एक चेंज जो हुआ है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो ये है कि ग्लू वॉल का कॉस्ट पहले $200 हुआ करता था, लेकिन अब कल के मेंटेनेंस सर्वर मेंटेनेंस के बाद इसका कॉस्ट हो गया है $300। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितना कॉस्ट बढ़ गया है, और $100 हम लोग को देना पड़ेगा। हर जगह महंगाई बढ़ गई है, गेम में भी ये आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो अब हम लोग को और ज़्यादा गोल्ड बचाना पड़ेगा ग्लू वॉल ख़रीदने के लिए। ओके, सो अब पहला राउंड शुरू हो चुका है। सामने एक एनिमी डाउन है और 3 लोग बाकी है। जल्दी से उन लोग को करते हैं ख़त्म, और ये हो गया नॉकडाउन। और एक एनिमी है, इसको भी मैंने नॉकडाउन कर दिया है। तो जल्दी से किल ले लेते हैं, लेकिन उसके पहले और एक एनिमी जो डैमेज दे रहा है उसको मार के आते हैं, और उसको टीममेट ने मार दिया, तो मेरा भी डबल किल हो गया। सो फर्स्ट राउंड हम लोगों ने जीत लिया। अब सेकेंड राउंड शुरू हो चुका है, तो जल्दी से एक अच्छा गन ले लेते हैं, थॉम्सन। ये आप लोग देख सकते हैं ग्लू वॉल का कॉस्ट बढ़ चुका है। ओके, सो 4 सेकेंड में मैच शुरू होगा। तो ये मैच होगा सेंटा कैटरीना में। तो चलते हैं आगे, एनिमीज है शिप के उस पार। तो सब टीममेट्स आगे बढ़े, तो मैं भी चलती हूँ आगे। तो यहाँ पे एनिमीज थे ऊपर सीढ़ी के ऊपर, पर मुझे दिखाई नहीं दिया कि सीढ़ी का कौन सा एंट्री पॉइंट है, तो मैं अंदर घुस गई थी। पर अभी ऊपर चलते हैं, और एनिमीज थे यहाँ पे, लेकिन मेरे टीममेट डाउन हो गए हैं। तो सबसे पहले ग्लू वॉल लगा के उनको रिवाइव कर ले। तो ग्लू वॉल के उस पार है एनिमीज, अब उन लोगों को मार देते हैं। तो एक को मैंने कर दिया है नॉकडाउन, और साइड से और एक आ रहा है, ये मुझे बहुत डैमेज दे रहा था, और इसको भी मैंने नॉकडाउन कर लिया है। लेकिन एक एनिमी तो बहुत चालाकी से छुपा हुआ था, उसको मैंने देखा ही नहीं कहाँ पे था। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? शिप के उस कोने में वो एक बहुत अच्छी जगह में छुपा हुआ था। अब देखते हैं क्या टीममेट्स इस राउंड को जिता सकते हैं या नहीं। तो इसने मार दिया है इस एनिमी को, तो हमारे 2 टीममेट्स बाकी है, और वहाँ पे एक एनिमी बाकी है जो कोने में छुपा हुआ था। अरे ये क्या हुआ, वो टीममेट तो ऐसे ही नॉकडाउन हो गया खुद ब खुद, पता नहीं क्या हुआ था उसको। ओके, सो टीममेट ने इस राउंड को भी जिता दिया है।
तो हम लोग 2 पॉइंट से आगे हैं। अब फिर से एक अच्छा गन ले लेते हैं। मैंने थॉम्सन खरीद लिया है और 2 ग्लूवाल्स ले लिया है। सो ये मैच भी शुरू हो गया। तो अब हम लोग है बे फ्रंट में। ये बिल्कुल नॉर्मल क्लैश पैड जैसा ही है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि रैंक्ड क्लैश पैड में भी काला हरी लाना चाहिए? मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल रैंक्ड मैच खेलते हैं तो उसमें कभी बर्मुडा का मैप आता है तो कभी परगेट्री का। तो आपको क्या लगता है कि क्लैश पैड में भी वैसा डिफरेंट डिफरेंट मैप्स लाना चाहिए या नहीं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो लगता है कि वैसा लाना चाहिए, वैसा लाने से गेम में थ्रिल और बढ़ता है। और इस मैच में तो इस राउंड में हम लोग हार चुके हैं, तो एनिमीज के पास है 1 पॉइंट और हम लोग के पास है 2 पॉइंट। तो देखते हैं कि हम लोग एंड में जीत पाते या नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक ले लिया है। ओके सो ये राउंड भी शुरू हो चुका है और एनिमीज के टीम में एक इंसान एलिमिनेट हो चुका है, शायद उसका नेट नहीं चल रहा होगा। तो पहले इस हड्डी के ऊपर उठ जाते हैं, ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत रियलिस्टिक है। यहाँ पे उठ के भी मज़ा आता है, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सीन दिखाई देता है यहाँ से। तो मेरे साइड वाले हड्डी के पास एक एनिमी है। आप लोग देख सकते हैं वो ऊपर भाग रहा है, लेकिन बहुत चालाकी से वो खेल रहा था, उसका सिर तो दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। वो रहा, चलो पहले ग्रेनेड फेंक देते हैं उसके ऊपर। और नो, मैं तो नॉकडाउन हो गई। अच्छा हुआ टीममेट के सामने ही हुई, टीममेट भी नॉकडाउन हो गया, लेकिन ये टीममेट बचा लेगा हम लोग को। तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और बुया ऐप का लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ पे जाके मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना लिंक को दबा के। और जो ऊपर एनिमी था उसको टीममेट ने मार दिया है। अब यहाँ पे भी एक एनिमी छुपा है इस पहाड़ी के अंदर, और वहाँ पे ग्रे बॉक्स में भी एक एनिमी है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से नॉकडाउन हो गई और मुझे मार दिया। अब देखते हैं कि क्या टीममेट्स ये मैच बचा सकते हैं या नहीं। तो उन लोगों का और एक एनिमी, मतलब एनिमी का और एक टीममेट डाउन हो गया और यहाँ पे एक ही बाकी है और ये भी मर गया। तो अब हम लोग 3 पॉइंट से आगे हैं और एनिमीज के पास है 1 पॉइंट। तो देखते हैं, अगर ये मैच हम लोग जीत जाते हैं तो हम लोग को बुया मिल जाएगा। ओके सो मैंने यहाँ पे M1887 ले लिया है, बहुत अच्छा गन है ये, शॉर्ट रेंज में काफ़ी ओपी है। तो अब मैच शुरू हो गया है, तो अब आगे चलते हैं। तो हम लोग चलते हैं पीछे से ताकि हम लोगों को एनिमी ना देख सके और एनिमी को हम लोग पीछे से शूट कर पाए। तो यहाँ पे एक एनिमी छुपा हुआ था, मुझे लगा था कि मैं उसको मार दूँगी, लेकिन अफसोस मैं नॉकडाउन हो गई। लेकिन मेरे टीममेट्स अच्छे टाइम में आ गए और उन लोगों ने इस एनिमी को मार दिया। तो ये दोनों नॉकडाउन हो चुके हैं और हम लोग के 3 टीममेट्स बाकी है और एनिमी के साइड में सिर्फ एक
एनिमी बाकी है, तो देखते हैं कि क्या ये लोग उनको मार पाते हैं या नहीं। और वो रहा एनिमी, और ये टीममेट ने मार दिया, और ये हम लोग क्या हो गया है बुया। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कालाहारी में क्लैश क्वेड कैसा लगा, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम और बुया में फॉलो। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, कोरोना से बच के रहना, टेक केयर।